अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 16 अगस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में। जी हाँ, जून का क्वार्टरली रिज़ल्ट रिसेंटली अनाउंस हुआ है कंपनी का, और जैसा कि देख सकते हैं 301 रुपीज़ पर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एक महीने का अगर ग्राफ देखेंगे तो 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है कंपनी ने। वहीं अगर एक साल का ग्राफ देखेंगे 31% का पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेंशन है कंपनी प्रोफाइल पर कि टेलीविज़न प्रोग्रामिंग चैनल नेटवर्क है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट में, ये इंडिया टुडे ग्रुप के अंडर में आती है ये कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न चैनल है, इसके अंडर में आज तक और इंडिया टुडे टेलीविज़न, ये दो चैनल आते हैं। तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखती है इनकी। तो बात करते हैं वैल्यूएशन की। कंपनी सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो -15.97 है, वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13.20 है। वहीं सेक्टर का पीबी रेशियो 5.59 है, वहीं इस कंपनी का पीबी रेशियो 1.75 है। तो नज़र डालते हैं एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन, टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड हमने सेलेक्ट किया है। क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएंगे तो जैसा कि देख सकते हैं मार्च के क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 214 करोड़ जो मार्च क्वार्टर में था वो घट के जून क्वार्टर में 204 करोड़ रुपीज़ हो गया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 करोड़ रुपीज़ था मार्च क्वार्टर में, वो 52 करोड़ रुपीज़ हो गया है जून क्वार्टर में, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें, 36 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था जो मार्च क्वार्टर में, वो बढ़कर 37 करोड़ रुपीज़ हो गया है जून क्वार्टर में। तो देख सकते हैं रेवेन्यू भले ही थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वो थोड़ा थोड़ा बढ़े हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो ठीक ठाक है, उतना ख़राब नहीं है। वहीं अगर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी सही है, अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है कंपनी। रिटर्न वर्सेज एफडी की बात करें तो एफडी से अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने हिस्टोरिकली दिया है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट के लिहाज से अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है इस कंपनी में। वहीं अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट की तो एक बार इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 58% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। वहीं म्यूचुअल फंड के पास 13.65% की होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, क्योंकि म्यूचुअल फंड वहीं पर इन्वेस्ट करता है जहां पर उसे सबसे ज़्यादा सेफ लगता है। तो ये पॉजिटिव है, ये प्लस पॉइंट है। वहीं अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 0.97% की होल्डिंग है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर के पास 20.93% की होल्डिंग है। वहीं अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो एक बार कॉम्पिटिटर भी देख लेते हैं इनके। ओके, तो आप देख सकते हैं इनके कॉम्पिटिटर सन टीवी नेटवर्क, जी इंटरटेनमेंट, TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, ये इनके कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 100% लोग इसे खरीदने की नसीहत दे रहे हैं, यानी सभी कह रहे हैं खरीदने के लिए, कोई भी इसे बेचने की नसीहत नहीं दे रहा है। वहीं ब्रोकर रिसर्च की बात करें तो ICICIDirect.com ने 14 फरवरी को 262 के रिकॉर्डेड प्राइस पर 280 का टारगेट दिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। 262 के प्राइस पे 280 का टारगेट दिया था, ऑलरेडी 301 हो चुका है टारगेट, टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये थी मेरी वीडियो क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।